हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि इस तरह से हमारा अरुणाचल में जो 26 जो मुख्य जनजाति है उसके साथ में कभी प्रधानमंत्री इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो हम लोगों के लिए एक हिस्टोरिक ओकेजन है। उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके लीडरशिप पर सर अभी रिसेंटली जो अभी MOU हो गया है असम अरुणाचल का जो बॉर्डर जो सदियों से ही जो चल के आया है, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का द्वारा से हम लोग ने ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट किया है, वो अभी हम लोग ने सॉल्व कर दिया है। हम अरुणाचल वासी आपके प्रशंसक हैं, आपको दिल और आत्मा से प्यार करते हैं। हमारे अरुणाचल में रेलवे कनेक्टिविटी होना एक सपना को सच में बदलने की बात है। बोगीबिल और धौरा ब्रिज जो असम में बने हैं, हमारे पश्चिम और पूर्वोत्तर के लोग जुड़ने में बहुत आसान हो रहे हैं। त्वंग में शिला टनल और कामेंग में नेचीपू टनल के लिए भी हम अरुणाचलवासी आपके बहुत आभारी हैं। मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व सरकार हमारे प्रमुख सभी जनजातियों को गुजरात दिल्ली यात्रा कराए, जिसकी वजह से हम गुजरात की अद्भुत दृश्य दर्शन करने के एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। जरा मुझे बताइए, आप में से पहली बार गुजरात गए वैसे कौन कौन है? अच्छा, सबके सब पहली बार गए। अच्छा अच्छा, आपको मालूम है आपका गुजरात से क्या नाता है? देखिए श्री कृष्ण, अगर अरुणाचल न होता तो अधूरे होते। रुक्मणी की श्री कृष्ण से शादी हुई तो ये अरुणाचल का सीधा नाता गुजरात से है। और अब हर वर्ष वहां जहां रुक्मणी की जी की शादी हुई थी उस जगह पे हर साल मेला लगता है। बड़ा निकट नाता है और मैं तो चाहूंगा हर वर्ष आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में वहां जाना चाहिए, क्योंकि आपका अधिकार है वहां। केवड़िया कैसा लगा आपको, क्या क्या देखा? अच्छा लगा स्टैच्यू? तो मैं तो चाहूंगा जी अरुणाचल के विकास में आप लोगों का सहयोग चाहिए। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे आप जैसे अतिथि घर में आते हैं तो साथ में आशीर्वाद लेके आते हैं, तो आप लोग मेरे घर आए तो मेरे लिए आशीर्वाद आ गए। चलें, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद जी।